इस तरह से हमारा क्रीमी क्रीमी डिलीशियस बादाम मिल्क शेक बनकर के तैयार हो गया है। नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता पोरवाल। आज मैं बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बादाम मिल्क शेक बनाने जा रही हूँ। ये बादाम मिल्क शेक बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आप लोग इस रेसिपी को अपने अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन माने आप लोगों को और आपके बच्चों को ये बादाम मिल्क शेक पीने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए हम लोग फटाफट से बादाम मिल्क शेक बनाना शुरू करते हैं। बादाम मिल्क शेक बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध ले रहे हैं, जो इसको हम बॉईल कर ले रहे हैं। और मैंने फ्लेम को हाई ही रखा है। और दूध को बॉईल करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें दूध को कंटिन्यू चलाते रहना है। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है, तब तक हम सोक किए हुए बादाम को पील कर लेते हैं। मैंने बादाम को 4-5 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। और ये देखिए, हमारे बादाम बहुत अच्छे तरीके से सोक हो चुके हैं। चलिए अब इनको पील कर लेते हैं। मैंने 1 लीटर दूध के लिए 20 से 22 के करीब बादाम लिए हुए हैं। मैंने बादाम पील कर लिए। चलिए अब हम एक मिक्सी के जार में इसको ग्राइंड कर लेते हैं और इसमें 1/2 कटोरी दूध डाल देते हैं, जिससे हमारा जो बादाम है बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट बन सके। ये देखिए, हमारा जो दूध है वो बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है और थिक होना भी स्टार्ट हो गया। अब मैं इस स्टेज पे तैयार किया हुआ बादाम का पेस्ट डाल देती हूँ। इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। दूध में बादाम का पेस्ट डालने के बाद मैंने 3 से 4 मिनट तक इस तरीके से कुक किया है। अब मैं इस स्टेज पे चीनी ऐड कर देती हूँ। जैसा कि मैंने 1 लीटर दूध लिया था, तो मैं 150 से 200 ग्राम के करीब चीनी ऐड कर रही हूँ इसमें। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। जब तक हमारा दूध कुक हो रहा है, तब तक हम कस्टर्ड का घोल तैयार कर लेते हैं। और कस्टर्ड के घोल के लिए मैंने 1 कटोरी में दूध लिया हुआ है। ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देती हूँ और इसको एक विस्क की सहायता से इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे, जिससे हमारे दूध में जो कस्टर्ड पाउडर डाला है उसमें लम्स ना पड़े। ये देखिए, हमारा कस्टर्ड का घोल तैयार हो गया है और हमारा दूध भी कुक हो चुका है अच्छे तरीके से। चलिए अब हम इसमें दूध में ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें कस्टर्ड का घोल डाल देते हैं। हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही घोल डालना है और इसको एक हाथ से कंटिन्यू चलाते रहना है। कस्टर्ड का घोल डालने के बाद हमें इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से ही कुक करेंगे। और इस टाइम पे फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम ही रखा है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे दूध में जो है वो थिकनेस बहुत ही अच्छा आ चुका है और दूध बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पे और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसमें केसर डालेंगे। केसर से हमारा जो टेस्ट और कलर दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। इसको
अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये हमारा जो बादाम मिल्क शेक है बहुत ही अच्छा जबरदस्त पीने में लगेगा। और इलायची का पाउडर डालने से हमारे जो मिल्क शेक में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए हमारा जबरदस्त बादाम मिल्क शेक बनकर के तैयार हो गया है। चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब हमारा मिल्क शेक ठंडा हो जाएगा तब हम इसको सर्व करेंगे, क्योंकि मिल्क शेक ठंडा ठंडा पीने में ही मजा आता है। इस तरह से हमारा क्रीमी क्रीमी डिलीशियस बादाम मिल्क शेक बनकर के तैयार हो गया है। अब हम इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं। मैंने बादाम को चॉप कर लिया था, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और थोड़े से चॉप किए हुए काजू। जब आप लोग पिएंगे और आपके बच्चे पिएंगे तो पी करके बहुत ही खुश हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल श्वेता पूरवाल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।